तूने आज तक कभी बोला मेरे को घर पे बात करा उनके आने के बाद तूने पैसों के ऊपर बोला कि घर पे बात करवा मेरे घर पे बात कर अपने घर पे बात तो बात करवा दो ना क्या दिक्कत है मैं घर पे फोन नहीं मैं सही था इसलिए मैंने मिलाया ना क्योंकि तुम्हें उससे प्यार नहीं है और तुम उसका काट रही हो सीधी सी बात है ना मैंने साफ बोल दिया ऐसी कोई बात सही था इसलिए रिट्स हाय विनय और आपका नाम बैठ जाओ दो मिनट थैंक यू सो मच डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया ना क्या वो मतलब आपकी प्यार मोहब्बत वाली शायद बातें चल रही है मैंने डिस्टर्ब कर दिया ऐसा तो नहीं है ना नहीं नहीं पक्का चलो ठीक है और सब बढ़िया आप मतलब क्या स्टडी करते हो या फिर मतलब चल रही है मैं देख रहा हूँ अभी काम हम अच्छा काम हम देख रहे हो ठीक है यार अभी तो ज्यादा अर्निंग नहीं होगी ना आप लोगों की तो मैनेज हो जाता है मतलब लोग रिलेशनशिप में और लड़की की बहुत ज्यादा ख्वाहिशें होती है ना एक्सपेक्ट करती है लड़की हमेशा लड़के से ऐसी कोई बात नहीं है प्यार ही सब कुछ है पैसे से कोई मतलब नहीं है चलो वैसे पैसा यार जरूरी है ऐसी बात भी नहीं है जरूरी है वैसे बाद में वो तो काम आएगा ही अच्छा आज जो मतलब मैं बात करने वाली हूँ ना आप लोगों से आप सोच रहे होगे शॉक्ड होगे कि एक रैंडम लड़की आके क्या बात कर रही है तो मैं आप लोगों के लिए ना एक बहुत बढ़िया टास्क लेके आई हूँ अगर आप उसको कम्प्लीट कर लेते हो तो सीरियसली आपको आप इतना पैसा जी सकते हो ना मैं कोई फ्रॉड नहीं हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल आप इतना पैसा जी सकते हो कि उससे आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो अर्निंग आप अपनी लाखों में कर सकते हो सच में सीरियसली बता रही हूँ और ये टास्क जो है ये सिर्फ स्पेशली कपल्स के लिए ही है तो आप लोग दिख रहे थे मुझे कपल स्माइली फेसेस वो आप काफी अच्छे लग रहे थे मैंने कहा आके बात कर लेनी चाहिए तो टास्क ये है यार आप ये बताओ आपके रिलेशनशिप को कितना टाइम हो गया 7-8 साल हो गए 7-8 साल तो अभी एज क्या है आपकी एज क्या है अभी आपकी जो 7-8 साल के बच्चे बचपन का प्यार है ना अरे वाओ यार सीरियसली बहुत अच्छा लगा यार हैट्स ऑफ मजा आ गया सुन के बचपन का प्यार अभी तक साथ में हो ना चलो भगवान करे आप लोग हमेशा खुश रहो ऊपर वाला करे आप हमेशा साथ में रहो चलो टास्क की बात करते हैं टास्क ये है कि अगर आप लोग के घर पे पता ही होगा यार बचपन का प्यार है तो ठीक है तो आप लोग घर पे बता के एक दूसरे से कि यहाँ पे पार्क में मिलने आए हो किसी पब्लिक तो बता के आए हो दोनों बता के आए हो दोनों अच्छा घर पे पता है मतलब शादी वादी का सीन है क्या सीरियस एकदम तो शादी काम वाम देख रहे हो क्या करियर वरियर स्टैंड करके फिर आप सेटल हो जाओगे ओके तो अभी घर पता है आप बता के मिलने जा रहे हो ठीक है तो टास्क यही है कि आप लोगों का रिलेशन 8 साल का है बचपन का प्यार है तो टास्क यही आपको कंप्लीट करना है अगर आप कर पाए तो आप जीत सकते हो पूरे 1 लाख की गड्डी मेरे पास है मजाक लग रहा हो तो मैं पहले दिखा दूं ठीक है ये देखो असली नोट है बिल्कुल ठीक है और पूरा ये 1 लाख की गड्डी आप जीत सकते हो तो आपको करना क्या है आपको करना सिर्फ इतना है आपका नाम क्या है विनय विनय आप एक काम करो आपके घर पे बता के आए हो ना कि मिलने जा रहे हो शिवाली क्या नाम है आपका गुनगुन हाँ गुनगुन से मिलने जा रहे हो ना तो एक काम करो अपने घर पे मम्मी या पापा किसी को भी फैमिली में किसी को भी फोन लगा दो और उनको बोल दो कि मम्मी मैं आपको बता के आया हूँ ना कि पापा को या मम्मी को जिसको भी करोगे कि मैं गुनगुन से मिलने आया हूँ लाइक मेरे को कंफर्मेशन चाहिए कि आप लोग एक दूसरे के लिए सीरियस हो वैसे क्या प्रूफ है तुम ये पैसे दे दोगी फिर उसके बाद ये अपने हाथ में रखो मैं कौन सा मैं तुम्हें ट्रस्ट दिलाना चाहती हूँ पैसे भी चेक कर सकते हो असली है एकदम पैसे तो असली है मेरे को तो आप फोन कर दो अपनी मम्मी को फोन कर दो और या पापा को कर दो जिसको भी करना है बस ये कन्फर्मेशन दे चाहिए और इसमें तुम्हारा एक तरीके से लॉयल्टी टेस्ट भी हो जाएगा होते है ना कुछ लड़के पागल बनाते हैं लड़कियों का स्पीकर पे फोन रख देना हेलो हेलो हाँ बेटा मम्मी क्या बनाया खाए हेलो हेलो हाँ बेटा बोल मम्मी क्या बना रखा है घर पे बेटा आज तो घर पे आलू गोभी की सब्जी बनाई है कब तक आ रहे हैं घर पे तू मैं आ तो रहा हूँ मैं लेकिन गुनगुन को लेके आऊँगा ठीक है ना अच्छा अच्छा चल ठीक है कोई दिक्कत नहीं बता के तो गया ही था तू आ जा लेकर आ जा मैं वो खाना तो बना ही लिया है आ जा यहाँ पे घर पे हाँ जब तक बना के रखो आ रहा हूँ थोड़ी बहुत देर में ठीक है बेटा आ जा ठीक
वाओ नाइस यार, आई एम प्राउड ऑफ यू. अच्छा लगा तुमसे मिलके ना. ऐसे लड़के होने चाहिए दुनिया में कि एकदम सीना और छाती ठोक के बोले कि हाँ प्यार है तो है. अच्छा लगा यार तुम. यू आर सो लकी यार, आपको ऐसा बंदा मिला है सीरियसली और शादी भी करना चाहता है. चलो यार ठीक है, ये 1,00,000 रुपए आपके हो गए हैं, आपके हाथ में है क्योंकि आपने डील टास्क कंप्लीट कर दिया है और आप जीत चुके हो. ठीक है तो फायदा हो गया आपको तगड़ा. अपने हाथ में ही रखो, आपके ही है अभी. ठीक है तो आपको आपका भी टास्क सेम मैं चाहती हूँ कि इतना ज़्यादा लड़का आपसे प्यार करता है तो सेम ये चीज़ आप पे भी जानी चाहिए. सेम गोज टू यू गुनगुन. आपके घर पर पता बता के आए हो ना, घर पर पता. तो आप एक काम करो, आप भी सिंपली कॉल कर दो उनको, मम्मी पापा फैमिली में किसी को भी. नहीं फोन नहीं कर सकती मैं. फोन क्या हो गया? फोन नहीं कर सकती, सॉरी. फोन नहीं कर सकते लेकिन रीजन कोई सॉलिड रीजन खराब है, सॉरी है. एक बार ट्राई तो करो. तो सॉरी जब मैं कह रही हूँ, मैं बता कर लो कोई नहीं. चलो पापा पापा काम पे नहीं होगे तो क्या बहन होगी, भाई होगा घर पे. कोई नहीं, सारे अपने काम पे जा रखे हैं, सब वर्किंग है, जॉब वाले हैं. घर पे बता के आई थी मम्मी को, मम्मी को पता है मैं बता के आई. पापा काम पे गए, पापा को मैं फोन कैसे कर लूंगी. क्या हो गया, बात कर लो ना एक बार. कुछ मैं फोन नहीं मिला सकती. अरे पापा को से, पापा को पता है ना तुम्हारे. अरे पापा को पता है, पापा को फोन क्यों मिलाऊं मैं यार. शिवाली ओ सॉरी गुनगुन, अगर आप घर पे फोन कर दोगे तो ये आईफोन 12 प्रो मैक्स जिसकी अनबॉक्सिंग मैंने कल करी ये भी आपका हो जाएगा. कोई वो बात नहीं है, बट मैं घर पे फोन नहीं कर सकती. लेकिन रीजन क्या है? मैं घर पे 10,00,000 रुपए के लिए आप घर पे फोन नहीं करोगे? नहीं करूंगी मैं, फोन नहीं कर सकती. रीजन क्या है? फोन नहीं कर सकती ना मैं. नहीं कर सकती यार, बाप बता दो, मम्मी की तबीयत खराब है, पापा ऑफिस है. ऐसा क्या इम्पोर्टेंट इतना हो गया कि तुम तो अभी इम्पोर्टेंट काम थोड़ी, जो मैं घर पे बताऊंगी. आपको बताना नहीं है, जस्ट कंफर्मेशन करवानी है अपने बंदे को. क्या करवाऊं मैं इसको, इसको पता नहीं है क्या? क्या तेरे को पता नहीं मेरे घर पे? तुमने पता कभी मिलवाया थोड़ी है मेरे को आज तक. अजीब पागलपंती कर रहे हैं. करवा दो ना बात. मैं बात नहीं करवा सकती. रीजन क्या बात ना कराने का? कमाल है यार. मेरी यार उसने भी तो अपना लॉयल्टी टेस्ट पास कर दिया ना. ना बस ठीक है, आप जा सकते हो. बस हम दोनों की बात हमारे दोनों के बीच में क्यों आ रहे हो? तो यार आप लोगों ने, आप लोग दोनों एग्री थे तभी तो मैं आप पे गई हूँ ना. टास्क बट मैं टास्क पूरा नहीं करना चाहती ना. बट इसके पीछे तो यार आपके मन में कोई चोर लगता है. और क्या? नहीं क्या, क्यों नहीं करवाया चाली बात? तो मेरे को फोन नहीं मिला ना, मैं नहीं मिलाऊंगी फोन. क्यों नहीं मिलाओगी? क्यों नहीं मिलाऊंगी? मिलाओ जल्दी. मैं फोन नहीं मिलाऊंगी. सिस्टर को मिला दो, ब्रदर को मिला दो. इतना गुस्सा मत करो. कोई भी नहीं है घर पे. इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? कुछ फोन मिलाने को ही बोला है, कुछ मारने को नहीं बोला. मिला सकती ना यार. इसका मतलब तो तुम्हारे मन में. मेरे भी रख लेना और बताओ. मेरे को जो 10,00,000 रुपए दे दे, मैं फोन नहीं मिलाऊंगी घर पे. तेरे को मेरे घर पे पता है? तो मतलब दिनों से एक फोन करने को. फोन नहीं कर सकती ना. जब एक बार जब आपको आके वो कर रहे हो, फोन करो, फोन करो. यार 7-8 साल का रिलेशनशिप का है कोई मजाक थोड़ा? बंदे ने अपने घर पे शादी की बातें कर रखी है. आगे रखी है ना शादी में, मैंने तो कर नहीं दी ना. तो क्या प्रूफ है उसका? आपने शादी का प्रूफ क्यों देना यार उसको? मेरे को उसको देना? मुझे प्रूफ नहीं देना. चलो उसको ही दे दो. कोई नहीं, आप यही रहो, मेरी बात करा दो. उनको भेज दो, अपने प्रूफ दे दूंगी, आप जा सकते हो. ये कहीं नहीं है यार. अभी पैसों के लिए तो आपने टास्क के लिए हाँ कर दी थी और अब तो मैं टास्क पूरा नहीं कर सकती. ठीक है साफ सीधी बात है, मैं घर पे बात बाद में करवा दूंगी, आप जा सकते हो. आप शादी नहीं करना चाहते? प्यार नहीं है क्या आपको? अरे मैंने ये मना यार, प्यार में तो लोग मतलब जान जान पे आ जाते हैं एकदम. और तुम मैंने मना कब कर दिया? तो यार तुम हाँ भी तो नहीं बोल रही हो ना? तो यार मैं हाँ बोल रही हूँ, मैं घर पे फोन नहीं मिला. नहीं क्या मेरे को ये बताइयो, इसको बोलो ना घर पे. मम्मी को नहीं कर सकती, मम्मी की तबीयत खराब है. मैं किसी को फोन नहीं करूंगी, साफ सीधी बात है. ठीक है तो अपने मुंह से एक्सेप्ट कर लो कि पागल बना रही हो उसका. मैं क्या पागल बना रही हूँ? क्यों हम दोनों का रिलेशनशिप खराब कर रहे हो? मैं आपका रिलेशनशिप खराब नहीं कर रही, मैं सिर्फ उसको असलियत दिखा रही हूँ. अरे आप हर सबके पास जाओगे असलियत दिखाने सबकी? नहीं यार मैं सबके पास नहीं जा रही हूँ. देखो आप लोग अच्छे लग रहे थे, मैंने बात कर ली. चलो ठीक है, 7-8 साल का रिलेशन चल रहा है, उनको सुन के पता चल रहा ना तुम्हारा. अभी भी चांस है क्योंकि आज ट्रस्ट ब्रेक हुआ ना, उसके बाद कभी जिंदगी में जुड़ नहीं पाएगा. आप प्लीज जाओ, मैं इसकी बाद में बात. गुनगुन सिर्फ एक कॉल करने को बोला है, मैंने किसी का खून करने को नहीं बोला. खून नहीं कर रही ना मैं, कॉल नहीं कर रही. साफ सीधी बात है, आप जा सकते हो प्लीज. तो यार आपको प्यार ही नहीं है फिर उससे? तो यार क्या प्यार नहीं है, बेखामे ना. देखो बकवास मत करो, आप जा सकते हो. ठीक है और तू चुप हो जा. क्या ठीक है? तुम तो बदतमीजी से कर रही है. तुम तो आप उनकी बातों पे आ रहा है. तू बातों में आ रहा हूँ मैं तो. बातों पे आ रहा है. तूने कभी बोला मेरे को आज तक? तूने आज तक मुझे बोला कि घर वालों से बात करवा? ये बताओ मेरे को, तूने आज तक कभी बोला मेरे को घर पे बात करवा? उनके आने के बाद तूने पैसों के ऊपर बोला कि घर पे बात करवा, मेरे घर पे बात कर, अपने घर पे बात करवा. तो बात करवा दो ना, क्या दिक्कत है? मैं घर पे फोन नहीं. मैं सही था इसलिए मैंने मिलाया ना, क्योंकि तुम्हें उससे प्यार नहीं है और तुम उसका काट रही हो. सीधी सी बात है ना,
मैंने साफ बोल दिया ऐसी कोई बात नहीं। मैं सही था इसलिए मैंने मिलाया फोन, और देखो पैसे भी मेरे हाथ में। मैंने क्या बोला, मैं फोन नहीं मिलाऊंगी, ठीक है? तू जीते कुछ करे, मैं फोन नहीं मिलाऊंगी, ठीक है? क्यों नहीं मिला सकती? तूने आज तक मुझे कभी बोला फोन मिला घर पे? तो आज मिला दो ना। मैं फोन नहीं मिलाऊंगी, आज बोल दिया मैंने। तो आज उनके आने के बाद बोला है ना तूने? तो कोई बात नहीं, तो मिला तो दिया बंदे ने फोन, डरा तो नहीं ना वो, पीछे तो नहीं आता ना। बोलो मत, ठीक है? तुम पता क्या कर रही हो, अपने लाउड टोन करके ना अपनी गलतियों पे पर्दा डाल रही हो बस, और कुछ नहीं कर रही। मैं क्या लाउड टोन करके कर रही हूँ? यही कर रही हो आप। क्या कर रही हूँ मैं, मेरे को ये बताओ ना यार। देखो तुम अभी तू जब भी आ गई, रिस्पेक्ट भी भूल गई ना मैं आपको। यार तो मैं भी आपको तो बस आप जा सकते हो, उसका मेरा मैटर है ना। तू चुप होके बैठ जा। आ गई ना, आई एम सो सॉरी, मैंने आपकी लड़ाई झगड़ा करवा दिया। क्या ठीक है आप? नहीं नहीं आप कहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं रुको ना, बैठो अभी पता लग जाएगा। फोन पता चल गई इसकी? क्या असलियत पता चल गई है? क्या असलियत पता चल गई? असलियत पता नहीं चल गई। क्या चल गई बता, मिलाया तूने फोन? फोन तो मैं मिलाऊंगी नहीं, नहीं मिलाऊंगी, नहीं मिलाऊंगी, पता क्या करेगा? झूठ है तेरे मन में, तू ड्रामे मत कर, ठीक है? तेरे मन में झूठ है इस मारे, एक्सेप्ट कर लो फिर। अरे यार क्यों एक्सेप्ट कर लो यार, आप भी बेखामे तमाशे कर रहे हो यहाँ पर, और काम नहीं आपको? मैं तो चले जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुमने, तुम किसी सच्चे दिल के साथ खेल रही हो देख लेना यार तुमसे, सच में बकवास मत कर, ठीक है? एक पैसों का रिलेशन मतलब तुमने ऐसी खराब कर दिया दो मिनट में। तूने आज तक मुझे कभी बोला घर पे बात करवा? आज करवा दो, आज उनके आने आज करवा दो ना। आज घर पे मम्मी तबीयत खराब है, पापा के पापा ऑफिस जा रहे हैं, मैं नहीं करवाऊंगा। कभी ध्यान नहीं दिया आज इन्होंने बताया, फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। तूने ध्यान नहीं दिया, मैं फोन नहीं मिला सुनूंगी, साफ सीधी बात है। तुम डिसाइड कर लो तुम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में क्या करना है। मेरे को जो करना था मैंने कर लिया, आप जीत गए, ठीक है? लेकिन एक बात बताऊं, तुम एक काम करो यहाँ से ना चले जाओ, क्योंकि ना उसका ऑलरेडी बहुत मूड खराब है, और तुमने ना अच्छा नहीं किया, सीरियसली निकल जाओ यहाँ से, अच्छा नहीं किया। और आपको भी यही मिला था कि हम दोनों को डिस्टर्ब कर रहे हैं? मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने सिर्फ एक लॉयल्टी टेस्ट किया था जिसमें आप फेल हो गए, और आपका जो एक्स बॉयफ्रेंड है ना वो पास हो चुका है। गेट लॉस्ट, तुम जैसी लड़कियां ना हर मतलब मासूम लड़कों का दिल दुखाती हो, अच्छा नहीं लगता यार। ये तो मैं देख लूंगी, ठीक है? अच्छा इसको देख लेगी, क्या देख लेगी तू? क्या देखेगी इसमें, हैं? तूने दिखाया है सामने आके, इस बार देखेगी? नहीं कैसा सामने आके, मेरे आगे तो दूसरों के ऊपर मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। दूसरे के ऊपर क्या बताना, क्या तूने बात क्यों नहीं कर? आप जा सकते हो यहाँ से, इससे ज्यादा और बदतमीजी से बात हो, दिमाग खराब कर दिया। यू मे लिव प्लीज, जाओ दिमाग खराब कर रखा है। और 1,00,000 का टास्क जीतने वाले थे ना ये, पता नहीं पता इसको भी लेके जा, मुझे नहीं ये पैसे, ठीक है? निकल यहाँ से, चल जा पैसे के साथ, दिखा दियो आज के बाद मेरे को, और पैसा चाट लियो जाके, ठीक है? गेट लॉस्ट, टेंशन मत लो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, और मैंने सामने कैमरा लगा रखा है, ठीक है विनय? और सामने कैमरा लगा है, और जो मैंने उसको करेंसी दी है ना वो भी फेक थी, ठीक है? वो फेक करेंसी थी, मैं सिर्फ एक लॉयल्टी टेस्ट करी थी, एक्सपेरिमेंट शूट करी थी, जिसमें यार आपने 110% अपना दिखाया कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन यार लड़के के साथ बिल्कुल अच्छे नहीं हो, क्योंकि लड़की ना अपनी बातों से ही पलट गई। ऐसा नहीं करना चाहिए यार, मैं एंड में एक मैसेज देना चाहती हूँ, देख रहे मतलब कितना हर्ट होता है ना, आप लोग सोच नहीं सकते, क्योंकि जिस पे बीतती है ना उसी को पता लगता है कि कैसा लग रहा है यार। 7-8 साल का रिलेशन था मेरा। रो मत यार प्लीज, और पता पब्लिक देख रही है आपको सामने, और कमेंट करके बताना कि आपको पता फील कर ही सकते हो, कुछ है नहीं मेरे पास बोलने को। प्लीज परमिशन दे सकते हो, अपलोड कर दो यूट्यूब फेसबुक पे। बिल्कुल बिल्कुल पक्का, हाँ नाइस मीटिंग, थैंक यू सो मच।